जय श्री राम बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करेंगे और वो न्यूमेरिकल्स करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आने वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर। तो शुरू करते हैं। मेरे पास एक बुक है जो जिसके अंदर सारे के सारे पुराने प्रीवियस ईयर तकरीबन 10 साल के क्वेश्चंस हुआ करते हैं बोर्ड के। तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहां पर लाइव समझा पाऊं। तो शुरू करते हैं। अच्छा, एक और बात, हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो हम कर रहे हैं बेसिकली, ये न्यूमेरिकल्स हम इलेक्ट्रोलाइटिक पार्ट के ज्यादा कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट के नहीं कर रहे हैं अभी। उसके लिए एक अलग टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक पार्ट के, फैराडेज वाले होंगे, मोलर कंडक्टिविटी वाले, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वाले, कप्पा वाले न्यूमेरिकल्स होंगे सारे सारे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो अपना है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। कह रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट हो, सब आए हुए, दो दो तीन तीन बार आए हुए। मैं कोशिश कर रहा हूं वही क्वेश्चन उठाऊं जो कम से कम दो बार से ज्यादा आए। तो पहला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से मोलर बोला तो कंसंट्रेशन दे रखी है। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 200 ओम। मैं तुम लोगों को एक बार बात बताना चाहूंगा कि अगर तुम्हें ये न्यूमेरिकल्स की वीडियो पे तुम डायरेक्ट आ गए हो तो गलती करी है तुमने। तुम्हें पहले दो तीन वीडियोस या ज्यादा है, शायद तीन चार हो सकती है, उन वीडियोस को आराम से देखो जो थ्योरी वीडियोस है, उन्हें मैंने टॉपिक समझाया है, उसके बाद न्यूमेरिकल वीडियो में आना तो फायदा है, अन्यथा इसका हैया बन जाएगा तुम्हारा, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अगर तुम्हारी थ्योरी क्लियर हो तो भी तुम न्यूमेरिकल वीडियो पे आना। ठीक है जी, तो रजिस्टेंस दे रखा है 200 ओम, कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.01 मोलर NaCl। द रजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 200 ओम। द सेल कॉन्स्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज यूनिटी। अब जिस बच्चे को समझ में आया हो तो सेल कॉन्स्टेंट हमारी पुरानी वीडियो में बताया गया, सेल कॉन्स्टेंट जी स्टार होता है और ये यूनिटी दे रखा है, शायद वन दे रखा है। देखो मैं लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था कि बेटा केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स के अंदर दो चीजें पटकती है, या तो अंग्रेजी या बाद में मैथ्स, केमिस्ट्री आसान होती है। अब अंग्रेजी से तुम क्वेश्चन को ट्रांसलेट कैसे करना वो समझा रहा हूं। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है ये हमें, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या है। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा अपॉन में मोलैरिटी या कंसंट्रेशन, ये हमारा फॉर्मूला है। और कप्पा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कप्पा निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है जी इंटू जी स्टार। कप्पा मतलब ये तो हाफ लैम्डा एम तो हो गया मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा अपॉन में मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, मतलब ये दो फॉर्मूले यूज करने वाला हूं मैं। तो कप्पा क्या है, कप्पा याद होगा तुम्हें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है या कंडक्टेंस है, जी रेजिस्टेंस है, जी स्टार सेल कॉन्स्टेंट है। कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। तो कप्पा इज इक्वल टू जी, अब याद होगा जी क्या होता है, जी होता है 1/R, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहते हैं, पढ़ाया हुआ है तुम्हें। तो ये कितना हो गया 1/200 × 1, तो मेरा यहां पे कप्पा आ गया। क्लियर है, आगे चलते हैं, इसको यूज करते हैं। हाँ बच्चों देखो, कप्पा तो हो गया हमारा 1/200 × 1, ये तो हमारा आई है।
अब हमें क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। तो मोलर कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, कप्पा अपोन में मोलैरिटी। अब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने इस चीज की दो कंडीशन बता रखी है, नहीं याद है मैं फिर से एक ही बात कहूंगा, भैया पुरानी वीडियो देख लो तभी कोई फायदा है। ठीक, तो जिसको पता है उन्हें याद होगा। हम क्या करेंगे, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो कप्पा क्या है, कप्पा इज 1/200, ठीक है, अपोन में मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी है 0.01 मोलर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको इंटू 1000 कर रहा हूं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने का, देखो सॉल्व करना भी वही जो मैं बोलता हूं हमेशा कि भैया मैथ्स लगाना तुम्हें जो भी लगाना। अब केमिस्ट्री क्या, केमिस्ट्री का मेन पार्ट, मुझे नहीं लगता कि केमिस्ट्री का मेन पार्ट अब तक आया, केमिस्ट्री का मेन पार्ट अब आया। यहां पे यूनिट क्या लिखते हो तुम, क्योंकि तुमने ऊपर 1000 करा तो यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। इस चीज के नंबर है। अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं इन चीजों के नंबर कार्ड हूं कि तुम फॉर्मूला लगा लो ठीक है कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला हर बच्चा लगाता है, 100 में से 99 बच्चा ये फॉर्मूला लगा रहा होता है, क्योंकि उसको यही रटवाया गया होता है कि कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। बहुत कम बच्चे को पता होता है कि कप्पा मोलैरिटी इंटू 1000 भी हो सकता है, और दोनों में फर्क क्या है, ये मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था ढंग से कि भैया दोनों में यूनिट का फर्क आता है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। ठीक है जी, तो इसी चीज के लिए मैंने यहां पे क्या लगाया, यूनिट का फर्क आ चुका है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देना थोड़ा। देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन पे ये भी वही है, आंसर बैक क्वेश्चन है, ध्यान देना भैया, कंपार्टमेंट में आया हुआ है तो ध्यान देना। When a certain conductance cell was filled with 0.1 molar KCl, it has resistance of 85 ohm. तो तुम्हें समझ में आ गया मैंने क्या कहा, कि रेजिस्टेंस है किसी रेजिस्टेंस 85 ओम है किसी सेल का जिसके अंदर 0.1 मोलर केसीएल भरा हुआ है। When the same cell was filled with an aqueous solution of 0.052 molar of a known electrolyte, the resistance is 96 ohm. तो समझ में आया मैंने क्या कहा, ये बंदा क्या कहना चाहता है कि ये कंडक्टिविटी सेल था और उस कंडक्टिविटी सेल में केसीएल भरा हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस इतना। अब उस केसीएल को हटा दिया, अब ये भर दिया, कोई अननोन सॉल्यूशन है एक्स मान लेते हैं, अननोन इलेक्ट्रोलाइट है, उसे भर दिया तो रेजिस्टेंस 96 ओम आया। ठीक है, मतलब सेल सेम थी, उन्हें पहले ये भरा था उसके बाद ये भर दिया। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो ये इलेक्ट्रोलाइट है इसका मोलर कंडक्टेंस निकालना, इफ द कंडक्टिविटी ऑफ या स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ, जो कंडक्टिविटी कप्पा जो होता है, ऑफ 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन इज 1.29 × 10⁻²⁻²² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखो बच्चों, यूनिट पहले दिमाग में डालो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन तुम्हारा को क्लियर ही होगा, एक सेल थी उसमें सब कुछ ये डाटा दे रखा है, उस सेल में ये सोल्यूशन उठा के ये डाल दिया है, अब इस सेल का मोलर कंडक्टेंस निकालना है। ठीक है जी, तो तुम्हें क्या करना है, मोलर कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है कप्पा अपॉन में मोलैरिटी, ये हमें पता है इस सेल में ये होगा। तो सबसे पहले इस सेल का कप्पा निकालना है, इस सेल के कप्पा को मैं कप्पा 2 लिख लेता हूं, मोलैरिटी को मोलैरिटी 2 लिख लेता हूं। ठीक है, इसको कप्पा 1, रेजिस्टेंस 1, और क्या क्या लिख लेते हैं इसको हम लिख लेते हैं कंसेंट्रेशन वन या मोलैरिटी वन, ताकि हमें इजी रहे करने में। अब हमको क्या पता है मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, तो मुझे कप्पा 2 निकालना, मतलब इसका पहले कप्पा निकालना पड़ेगा, इसकी कंसेंट्रेशन जो है उससे कुछ देखना पड़ेगा मुझे, तो तब मैं निकाल पाऊंगा। तो कप्पा निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में करा है, क्या फॉर्मूला था हमारा पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला था
कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, कप्पा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट। तो मैं यही फॉर्म लगा रहा हूं, कप्पा वन मतलब किसका कप्पा वन इज इक्वल टू जी वन इंटू जी स्टार अपॉन में कप्पा टू जी टू इंटू जी स्टार। अब जो भी पढ़ा लिखा बच्चा है उसको पता है कि जब इस सेल में इस सॉल्यूशन या ये सॉल्यूशन डाल देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसमें, सेल कॉन्स्टेंट में, क्योंकि एरिया और लेंथ सेम रहेगा, सेल कॉन्स्टेंट लेंथ बाय एरिया ही होता है। तो भैया सेल इससे ये कट गया। अब कप्पा वन कितना दे रखा है, कप्पा वन दे रखा है 1.29 इंटू 10^-2। कप्पा टू मुझे निकालना है, जी वन ये रहा जी 1/85, समझ में आ गया, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, और जी टू ये रहा जी 1/96। अब बस वो जो कल हुआ था वही अब होगा कि भैया इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने से पहले शायद एक दो जन्म बीत जाए तुम्हारे, मैं सहजू तुम्हारी कप्पा टू निकाल दोगे और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भैया ये तो इनकी यूनिट तो कटी जाएगी, तो कप्पा की कप्पा टू यूनिट क्या आएगी, यही आएगी जो ये वाली थी, क्या आएगी कप्पा टू की यूनिट। मान लो कप्पा टू आ गया, कुछ भी आ गया, जो भी तुमने सॉल्व कर निकाला वो तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हें यही कहूंगा कि भैया सॉल्व करा करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर निकालो और आंसर मुझे कमेंट में डालो, ठीक है। चलो आज से एक काम शुरू करते हैं, तुम आंसर कमेंट में डालो, जितने भी सही आंसर होंगे रैंडमली उन बच्चों रैंडमली उनमें से किसी भी एक बच्चे को 1000 रुपीज का पेटीएम जाएगा मेरी तरफ से। बस अपना नंबर साथ में लिख देना, ठीक है, कहीं पेटीएम भी किसी अननोन को चला जाए। फिर से सुनो, जो भी मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं इसके आंसर निकालो एग्जैक्ट, मुझे कमेंट सेक्शन में डालो, रैंडमली किसी एक बच्चे को 1000 रुपए का पेटीएम जाएगा अगर आंसर सही हुआ तो। ये नहीं किसी उठा के चल दे, तुमने लिख दिया जय श्री राम और मैंने कर दिया 1000 रुपए, ठीक है। चलो तो कप्पा टू क्या आएगा, कप्पा टू की यूनिट भी यही आएगी, क्या, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, हमने निकाल लिया था कप्पा टू जो भी होगा। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या हमें निकालना था, मोलर कंडक्टेंस निकालना था। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा टू कहां से आएगा, वहां से आएगा अपॉन में मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी है 0.052। मगर फिर से वही मेन बात, क्या कप्पा टू की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो ऊपर 1000 जाएगा और जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, वो आएगा किसमें, साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स, ठीक है जी। मेन बात समझ में आ गई क्या, कि इन यूनिट्स को बहुत ध्यान से देख के रखना। फिर से देख लो मैंने क्या करा है, पहले मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले से कप्पा वन अपॉन में कप्पा टू जी वन जी स्टार जी टू जी स्टार जी स्टार जी स्टार काट के 1, 2, 3 वैल्यू दे रखी थी, ये वैल्यू निकाली, तो तुम्हारा काम है तुम वैल्यू निकालोगे, तो तरीका बता दिया। हमारी यूनिट जो आ गई वो यही आ गई जो इसकी थी, उसको मैंने फिर फॉर्मूले में लगा दिया। फिर से सुन लो, क्योंकि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स था, मैंने 1000 से इंटू करा, ये बता रखा है तुम्हें, तो हमारी यूनिट आ गई, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाँ बच्चों आगे चल रहे हैं। अच्छा तुम एक बात ध्यान सुनो, मैं कम से कम 8 से 10 न्यूमेरिकल कराने वाला हूं अभी, और 2 मैं करा चुका हूं, और लास्ट में 1-2 क्वेश्चन जेई प्रीवियस ईयर जेई और नीट का जरूर कराऊंगा, पहले बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। और तुम्हें यह बताना जरूर चाहूंगा मैं कि मतलब उस वो क्वेश्चन इसलिए कराए जाएंगे कि तुम्हें पता लग जाए कि हमारी जो एनसीईआरटी है भाई, उसके अलावा कोई किताब भी अगर तुम स्टार्ट करते हो तो बेवकूफिया है, स्टार्टिंग हमेशा एनसीईआरटी से, चाहे तुमने जेई के लिए पढ़ना है, एडवांस के लिए पढ़ना है, नीट के लिए पढ़ना है, स्टार्टिंग हमसे कहां से करनी है, तुम्हें अपनी एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं है ऊपर जाना बेवकूफी है। पहला कदम जमाए बगैर दूसरा कदम उठाओगे गिर जाओगे, इसलिए अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं, और ये क्वेश्चन क्लियर है तो तुम देखोगे कि 720 में से मेरे बहुत बड़ी 720 में से 580-600 नंबर का पेपर एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन से आराम से हो जाता है। और तुम्हें क्या करना है, सिलेक्ट होना है, मेरिट की बात में सोचना, पहले सिलेक्शन पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है, सब कुछ सेम से लग रहा है, अच्छा भैया बहुत बड़ी बात है, 2003-2005 में आया हुआ है और 2008 कंपार्टमेंट में भी आया हुआ है, ठीक है जी। क्वेश्चन सुनो, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल, लगभग सेम क्वेश्चन है,
the resistance of the conductivity cell when filled with 0.05 molar solution of electrolyte X is 100 ohm. समझ में आ गया? ये resistance दे रखा है, ये क्या दे रखा है, इसकी concentration दे रखी है, molarity दे रखी है. तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं. At 40 degree Celsius, तुम्हें पता है यहां पर तापमान का कोई मतलब नहीं है. द सेम कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड विद 0.01 मोलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाई हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम. द कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्स इज 1.0 इंटू 10 रेशवर -4 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. कैलकुलेट सेल कॉन्स्टेंट, कंडक्टिविटी ऑफ वाई इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये वाले इलेक्ट्रोलाइट की, ये इसकी कंसेंट्रेशन होगी ना, हाँ ठीक है. और तीसरा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाई इलेक्ट्रोलाइट. क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्या है ये हमें निकालना है. तीन चीजें दे रखी है, 2-5 ये तीन चीजें, और ये तीन नंबर का क्वेश्चन है. जब भी मैंने तीनों बारी आया तो तीन नंबर का क्वेश्चन आया, तो एक एक नंबर के पार्ट्स हो गए. 2-5 ये है, हमें कंसेंट्रेशन 1 ये दे रखी है, रेजिस्टेंस 1 दे रखा है, कंडक्टेंस 1 दे रखा है, और कंसेंट्रेशन 2 ये दे रखी है, रेजिस्टेंस 2 ये दे रखा है. y सॉल्यूशन के लिए ये है, x सॉल्यूशन के लिए ये है. और तुम्हें पता ही लग गया होगा क्या करा होगा, कि वही जैसे ही क्वेश्चन करा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगी, उसमें पहले x भरा होगा, बाद में y भर दिया होगा. तो पहला पार्ट कैसे करेंगे, पहला पार्ट कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, कुछ ज्यादा है ठीक है. कहां लगा रहा हूं मैं ये फॉर्मूला, ये लगा रहा हूं मैं 1 के लिए, 1 के लिए, 1 में मेरे पास कप्पा है, 1.0 इंटू 10 रेशियो माइनस 4, मेरे पास G1 है, G1 कितना है, G1 है 1/100, याद आ गया, रेजिस्टेंस अपॉन इक्वल टू 1/ कंडक्टेंस इंटू जी स्टार, तो मेरे पास जी स्टार निकल जाएगा. तो जी स्टार क्या आएगा भाई, जी स्टार आएगा 1.0 इंटू 10 रेशियो माइनस 4 इंटू 100. अच्छा अब तुम्हें दिख गया होगा कि कप्पा की यूनिट सेंटीमीटर रखी है. अगर तुम्हें याद हो पुरानी वीडियो बहुत ध्यान से देखी हो, तो जी स्टार क्या होता है, एल बाय ए होता है, लेंथ अपॉन एरिया होता है. तो जी स्टार की एसआई यूनिट वैसे तो मीटर इनवर्स होनी चाहिए ठीक है, लेकिन यहां पर बिकॉज ऑफ दिस क्या आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स आएगी. सॉल्व कर लेना यहां बैठ के, आसान है तो आराम से कर लो ठीक है. पहला पार्ट. अब आया कौन सा दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है, हमें दूसरा पार्ट हमें निकालना है कप्पा ऑफ वाई, मतलब हमें कप्पा टू निकालना है. तो कप्पा टू निकालने का फॉर्मूला वही अब जब पुराने वाला क्वेश्चन मिल गया. हमारा फॉर्मूला क्या है, कप्पा 1 अपॉन में कप्पा 2, हमने ये फॉर्मूला यूज करा था, G1 इंटू जी स्टार, G2 इंटू जी स्टार. तो जी स्टार जी स्टार कट ही जाएगा, कप्पा 1 ये रहा, G1 1 अपॉन रेजिस्टेंस, G2 1 अपॉन रेजिस्टेंस, तो इससे क्या आ जाएगा, कप्पा 2 आ जाएगा ठीक है भाई. निकालते रहना बैठ के, कंडीशन मैंने बताई दी है कि जल्दी जल्दी निकालो और कमेंट में डालो क्या है आंसर. और ये नहीं कि तुम 2 साल बाद डाल रहे हो, जी मेरा 2 साल बाद में सॉल्व हुआ, अभी विद इन अ वीक, बस विद इन अ वीक सही आंसर वाला को पेटीएम जाएगा ठीक है. विद इन अ वीक जैसे ही जो ये क्लास है अपलोड होती है, विद इन अ वीक ओके भाई. अब थर्ड निकालना मोलर कंडक्टेंस, तो निकालते हैं. तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कप्पा अपॉन में मोलैरिटी, लेकिन जैसे तुम्हें पता है यहां पे क्या चल रहा है, सेंटीमीटर चल रहा है, 20 में 1000. मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाई निकालनी है, तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ ये कप्पा 2 रख लेना वाई का, मोलैरिटी ये दे रखी है,
आंसर। और यूनिट अभी अभी बताई मैंने क्या आएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट का ही सारा खेल है, यूनिट्स को ही रखिए। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरे हाथ लगा है कोलार्ड फ्लो से रिलेटेड है, कोलार्ड फ्लो फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ फायर या वो लिमिटिंग मुलर कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ, जो पता नहीं क्या हो रहा है, सारे कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चन हाथ में लग रहे हैं, ये 2013 बोर्ड में कंपार्टमेंट में है। तो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 thrice is A58 साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। ओके, व्हाइल द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट आयन इज 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स। ओके, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन। समझ में आ गया होगा तुम्हें क्या करना है। कोलार्ड्स लॉ पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, लास्ट कल भी पढ़ा है। तो हमारे पास फॉर्मूला लगा देते हैं, देखो वैसे तो हमने जो पुराने जुड़े हुए हैं उन सबको पता, हमारा एक ही फॉर्मूला होता है कि जब कुछ समझ में ना आए कि क्या करना है तो जो दे रखा है उसका फोन लगा दो, जब पता ही नहीं लगे कि चल क्या रहा है तो जो दे रखा है उसका फोन लगा दो, ठीक है, और प्रभु पे छोड़ दो। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 थ्राइस जो होगा वो अकॉर्डिंग टू कोलार्ड्स लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कोलार्ड्स लॉ होगा वो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट आयन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट। अगर याद हो तो यही कोलार्ड फ्लो होता है, यही कोलार्ड फ्लो होता है कि इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट डाइल्यूशन पे क्या होती है, उसके कैटायन की मोलर कंडक्टेंस, उसके एनायन की मोलर कंडक्टेंस इनटू में जितने वो होते हैं कंपाउंड के अंदर। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 858, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। दो मिनट के लिए एक्स मान लेता हूं, एक्स ठीक है प्लस 3 × 160। अब सबको एक्स की वैल्यू निकालना पता है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेना। अब वो मत कहना जान थी जी हमारी, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते, ठीक है, यूनिट यही वैल्यू। ओके, नेक्स्ट करते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, 4 हो ना पहले, 5। चलो क्वेश्चन सुनो, 3 नंबर का आया हुआ, ये कंपार्टमेंट का नहीं है, ऑल इंडिया 2012। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन ऑफ अ डायामीटर इज 1 सेंटीमीटर। अब डायामीटर का क्या काम होगा बताओ मुझे, एंड अ लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। ये कंसेंट्रेशन है, रेजिस्टेंस इज 5.55 × 10⁻³ ओम। क्लियर है, कैलकुलेट इज रेजिस्टिविटी याद होगा रो, कंडक्टिविटी कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी। ये क्वेश्चन, ये हमारे टू फाइंड है, ये हमारा सारा का सारा क्या है गिवन है। तो समझने की कोशिश करो ये क्या कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है कि ना ऐसा रहा होगा कोई एक सिलेंडर टाइप कुछ होगा,
उसके अंदर NaOH भरा होगा, कितना होगा NaOH 0.05 मोलर NaOH होगा। तो उस सिलेंडर का जो ये डायामीटर दे रखा है ना, ये दे रखा है उसने 1 सेंटीमीटर, और जो लेंथ दे रखी है ये दे रखी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके अंदर रेजिस्टेंस है वो इतना है, तो हमसे पूछ, तो देखो तुम्हें क्या करना है, हल्का फुल्का मैच लगाना, इतने तुम चैंप होंगे ही होंगे, तो कोशिश करते हैं एक बार देखो इसको। ओ भैया डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 0.5 सेंटीमीटर, तो क्या करो पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल लेना, आ जाएगा। अब क्या तुम्हें करना है, तो सबसे पहले तुम्हें निकालनी थी रेजिस्टिविटी। हाँ, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस एरिया अपॉन में लेंथ। तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए रेजिस्टेंस है मेरे पास, हाँ है, तो रेजिस्टेंस वो है, एरिया है भाई, लेंथ है, हाँ है, तो रेजिस्टिविटी आता, ठीक है। अब उसके बाद ज्यादा लंबा मत पेल देना, कप्पा का फॉर्मूला वो जी इंटू जी स्टार वाला मत पेलना, कप्पा का फॉर्मूला सीधा लगा दो 1/अपॉन रेजिस्टिविटी, फॉर्मूले से यही होती है, हो गया, दूसरा भी आया। अब मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कप्पा अपॉन में मोलैरिटी, अब ऊपर 1000 जाएगा नीचे 1000 जाएगा, किस पर डिपेंड करता है, कप्पा की यूनिट पे, और कप्पा की यूनिट किस पे आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है ना। तो किस, तो क्या करना है, इंटू 1000, आई थिंक हो जाएगा, मैथ में तुम चैंप हो, सब आर्य भट्ट के वंशज हो तुम करियोगे इसको, ठीक है, और इसको सॉल्व करो, कमेंट में डालो। चलो बच्चों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का है, शायद मैंने यूट्यूब चैनल पे जो पहला वीडियो बनाया था वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का ही बनाया था, फर्स्ट जो हमारी क्लास हुई थी वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की ही हुई थी, उसका उसका एक क्वेश्चन है, कर लेते हैं। कह रहा है एक अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, कोई मतलब नहीं है इस चीज का, यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट, व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपोजिट, व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपोजिट एट द इलेक्ट्रोड आफ्टर 20 मिनट व्हेन 5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज निकल नाइट्रेट। ये मैंने एक और चीज रखी है, क्या एटॉमिक मास ऑफ निकल दे रखा है, कितना 58.7 या 58.7 ग्राम पर मोल, ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन करने के दो तरीके, मैं तुम्हें दोनों बता रहा हूं, जो पसंद हो वो उस एक तरीके को रट लो, इस बात को ध्यान, मैं तुम्हें दोनों बता रहा हूं, जो पसंद हो एक तरीके को रट लो। क्या बोला मैंने, ये मैं ये बोल रहा हूं कि तुम्हें अगर गाड़ी चलाने में महारत प्राप्त करनी है, गाड़ी चलाने में एक्सपीरियंस प्राप्त करनी है, तो तुम्हें सारी गाड़ी चलानी नहीं आनी चाहिए, कोई एक गाड़ी चलानी चाहिए और वो अच्छी तरह से आनी चाहिए, फिर बाकी सारी चलाई लो। इसलिए मैं कह रहा हूं एक तरीका पकड़ो, उसको अच्छी तरह से पकड़ लो, उसको अच्छे से रट्टा मार डालो कि दिमाग उसकी तरफ बैठ जाए, ध्यान सुनो। तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है, निकल की वैलेंसी यहां पे 2+ होगी, दिख रहा है ही, होती भी है, तो निकल 2+ दो इलेक्ट्रॉन लेके निकल बनाता है, ठीक है जी। तो जिन बच्चों ने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह है दो इलेक्ट्रॉन से एक निकल बनता है, तो दो मोल इलेक्ट्रॉन से एक मोल ऑफ निकल बनेगा, ठीक है जी, बनेगा जी। अब दो मोल इलेक्ट्रॉन मतलब दो फैराडे से एक मोल बनेगा, और एक मोल कितना
58.7 बनेगा, इतना ग्राम बनेगा, ठीक है, यूनिट मीटर चल रहा है। तो दो फैराडे मतलब इतने कूलम्ब, एक फैराडे वैल्यू याद है ना 96,500 कूलम्ब, तो इतने फैराडे से, इतने कूलम्ब से सॉरी, इतने ग्राम बनेगा, तो एक कूलम्ब से इतना क्लियर है, ठीक है। चलो सुधो में रख देते हैं। अब तुमने एक पढ़ लिया होगा अब तक एक चीज, क्या आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई कितना है 5 एम्पियर और टाइम कितना है 20 × 60 सेकेंड, तो इतने कूलम्ब्स आ जाएगा। तो बस आंसर हो गया, क्या एक कूलम्ब से इतना इतने ग्राम बनता था, तो इतने कूलम्ब से कितना बनेगा निकाल लो आंसर। समझ में आ गया बोला, फिर से सुनो भाई, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 मोल निकल बनता है, तो 2 फैराडे से 1 मोल मतलब कितना बनता है, ठीक है जी, 2 फैराडे फैराडे मतलब 96,500 कूलम्ब से इतना बनता है, ठीक है, 1 कूलम्ब से इतना बनेगा, ये रख लिया साइड में, इतने ग्राम बनना है निकल। उसके बाद आई इक्वल टू क्यू बाई टी निकाला, देखा कि अब 1 कूलम्ब से इतना बनता था, तो हमारे पास कूलम्ब है कितने, इतने हैं जी, कर लिया हमने। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 58.7 अपॉन में 2 96,500 इंटू में 5 × 20 × 60 इतने, सॉरी इतने ग्राम निकल बनेगा। मैं क्वेश्चन करने के लिए यह तरीका ही प्रेफर करूंगा। अब मेरे पास एक तरीका और है, उसको भी सुनो, अल्टरनेट मेथड, और ध्यान सुना, अल्टरनेट मेथड क्या कहता है, फैराडे फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डायरेक्ट निकाल लगा दो, फैराडे फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में के अनुसार मास क्या होता था, मास होता था जेड आई टी, जेड क्या होता था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, याद आया कुछ, आई 5 एम्पेयर, टाइम 20 मिनट × 60 सेकेंड, सेकंड में रखना है, और जिसको ये फॉर्मूला याद ना हो पहली वीडियो देखिए, पहली फर्स्ट वीडियो हमारे चैनल की पहली वीडियो द्वारा देखिए, तो एम इज इक्वल टू जेड आई टी। अब जेड क्या था, जेड तुम्हें बताया गया था, जेड होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96,500 आई इंटू टी। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी 96,500 आई इंटू टी। तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, जेड आई टी नहीं याद करना चाहते, रट्टा मारने में तुम्हें महारत हासिल है, सीधा ये फॉर्मूला याद कर लो। तो एटॉमिक मास कितना है 58.7, वैलेंसी कितनी है 2, 96,500, ठीक है, अच्छा जी, आई कितना है 5, टाइम कितना है 20 × 60, सेम आ रहा है, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, मर्जी तुम्हारी, जिंदगी तुम्हारी, जैसे मर्जी करो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो भैया क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ध्यान दें, 5 नंबर का है वो भाई, 5 नंबर का न्यूमेरिकल, 5 नंबर का एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन है, ध्यान देना, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ए बी और सी, ए बी और सी, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ए बी और सी, इसमें जिंक है, जिंक सल्फेट है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट है और इसमें कॉपर सल्फेट है, ठीक है जी, होने दो मेरे करना, और ये इलेक्ट्रोड डाले हुए इसमें,
इसमें जिंक के डाले होंगे, सिल्वर के डाले होंगे, इसमें कॉपर के डाले होंगे। हाँ, थ्री इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बी सी कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में जोड़ दो भाई, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, और इन दोनों को बैटरी से जोड़ दो, सीरीज में आ गए। ठीक है, अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर इज पास थ्रू देम अंटिल द मास ऑफ 1.4 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट इन द सेल बी। कह रहे इसमें करंट पास करा गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सीरीज में है, सीरीज के अंदर करंट सेम होगा, तो सब में भी सेम करंट जा रहा होगा, होगा तो 1.5 एम्पीयर करंट पास होने पर कह रहे हैं 1.45 ग्राम इकट्ठा हो गया सिल्वर का यहां पर। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने समय तक करंट पास हुआ है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर एंड मास ऑफ जिंक, और इतने समय में कॉपर और जिंक का कितना मास इकट्ठा हो गया होगा। करते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, मैंने बताया अभी तक तुम्हें कौन सा वाला, डायरेक्ट लगा देते हैं, एम इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन में वैलेंसी इनटू में फैराडे इनटू में आई इनटू में टी। ध्यान देना, मास पता है सिल्वर का कितना है, कितना है जी एटॉमिक मास सिल्वर का, याद होगा 108 होता है, इसमें दे रखा है, हाँ इसमें दे रखा है भाई, सारे कुछ दे रखा है, एटॉमिक मास 108 है सिल्वर का, जिंक का 64.5 है, कॉपर का 63.5 है, दे रखे हैं। वैलेंसी सिल्वर की एक होती है, तुम कहोगे हमें तो पता नहीं, हम तो कती मूर्ख है, हमें कैसे पता, तो भाई याद करके आओ, सिल्वर की वैलेंसी एक होती है, आई 1.5 फैराडे, तो मेरे ख्याल से टाइम निकल जाएगा। फिर से देखो, मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी इनटू में आई इनटू में टी अपॉन में फैराडे 96500। मास कितना दे रखा है, 1.45 दे रखा है, एटॉमिक मास 108 है दे रखा है, वैलेंसी एक होती है पता है, 96500 पता है, ये क्या होता है, आई 1.5 में दे रखा है, क्या निकालना, टाइम निकालना, टाइम निकल जाए किसमें, सेकंड में निकल जाए। अब तुम्हारे पास अगर आगे क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका क्या है, इसी फॉर्मूले को दो बार और लगा दो, मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन में वैलेंसी इनटू फैराडे इनटू में आई इनटू में टी, तो एक बार कॉपर के लगा दो, एक बार जिंक के लगा दो, आंसर आ जाएगा, तो मास ऑफ कॉपर, मान लो मुझे मास ऑफ कॉपर निकालना है, तो मास ऑफ कॉपर क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5 दे रखा है, वैलेंसी ऑफ कॉपर 96500 ये पता ही है, आई 1.5 एम्पीयर इनटू में टाइम, टाइम कौन सा, ये वाला जो यहां से आएगा लगा देना, आंसर आ जाएगा। ऐसे फिर जिंक के लिए कर लो, पांच नंबर का क्वेश्चन है तो करनी पड़ेगी, या तो तरीका ये है, ठीक है, क्या तरीका है, फैराडे का पहला नियम, द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक्स को तुम तीन बारी लगा दो, एक बारी सिल्वर के लिए टाइम निकालने के लिए, एक बारी कॉपर के लिए मास निकालने के लिए, एक बारी जिंक के लिए मास निकालने के लिए, या ऑल्टरनेट वे क्या है, ऑल्टरनेट वे है बड़ा ही सिंपल सा, तुम फैराडे का सेकंड लॉ लगा दो, अब फैराडे का सेकंड लॉ क्या था, M1 अपॉन में M2 इज इक्वल टू E1 अपॉन में E2, नहीं याद है तो मैं फिर वही बोलूंगा, पुरानी वीडियो देखो, रिवाइज करो, ठीक है, डायरेक्ट जंप से कुछ नहीं होगा, थ्योरी नहीं आती, सीधा न्यूमेरिकल करने का कोई फायदा नहीं। तो जी मास वन, हम सिल्वर के मास को मतलब इसको M1 मान लेते हैं, इसे M2, इसे M3 मान लेते हैं, तो मास वन कितना है, मास वन जिंक का मुझे निकालना है, ठीक है, अच्छा मास को कितना, सिल्वर का, सिल्वर मास कितना रखा था, 1.45 दे रखा है, इवन क्या होता है, इवन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, तो जिंक का एटॉमिक मास दे रखा था कितना था, 64.5 65.4
अपॉन में वैलेंसी, E2 एटॉमिक मास अपॉन में वैलेंसी, ऐसे मास ऑफ जिंक निकल जाएगा, मास ऑफ जिंक ऐसे भी निकल जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करो, उसके बाद फिर लगा दो M2 अपॉन में M3 इज इक्वल टू E2 अपॉन में E3, M2 M3 E2 E3, ठीक है भाई। अब देखो पांच नंबर का क्वेश्चन है, पांच नंबर तुम्हारे 100-100 नंबर के पांच पेपर होंगे, तो पांच नंबर एक परसेंटेज होती है, ठीक है, 500 में से पांच नंबर लाना एक परसेंटेज होता है, और एक परसेंटेज से किस कॉलेज में तुम अंदर, किस कॉलेज से तुम बाहर हो जाओगे तुम सबको पता है। तो पांच नंबर कोई छोटी चीज नहीं है, पांच नंबर के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है भाई। अब मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेईओ नीट का कराना चाहूंगा, ठीक है। तो भाई रुके रहो, बने रहो, आगे चलते रहते। तो चलो बच्चों, अब तुम्हें मैं एक प्रीवियस ईयर आईआईटी का क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, मतलब NaCl सॉल्यूशन में पानी डाल रखा है, कह रहे थे इलेक्ट्रोलाइट ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन वाज कैरीड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर, मेरे ख्याल से मिली इसको ही कहते हैं, ऑफ करंट, देन द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो एक आदि को चक्कर आ सकता है कि यार इलेक्ट्रोलाइसिस तो नमक की करी थी, हाइड्रोजन कहां से निकल गया। तो तुम्हें पेज नंबर 30 एनसीईआरटी 10th क्लास याद करनी चाहिए, उसके अंदर एक चीज थी क्लोर एल्कलाइन क्वेश्चन अटैचमेंट सॉल्व में बताया जाता था कि NaCl एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस करते तो हाइड्रोजन ही निकलता है। तो ठीक है भाई, अब क्वेश्चन सब क्लियर हो रहा है हमें, 0.01 मोलर हाइड्रोजन के लिए कितना टाइम लगेगा, करंट इतना है 10 मिली एम्पीयर, तो कोई बात नहीं कर लेते हैं। तो हमें इतना पता है कि जब 2H प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो H2 बन जाएगा, सही कहा। तो एक मोल ऑफ H2 के लिए 2 फैराडे चाहिए, तो 0.01 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, 2 फैराडे कूलॉम्स इनटू 0.01, तो इतने कूलॉम्स चाहिए, समझाया क्या कर रहा है, एक मोल हाइड्रोजन के लिए 2 फैराडे, तो 0.01 के लिए इतने कूलॉम्स चाहिए होगा, बस इसके बाद हो गया। I इक्वल टू क्या होता है, Q बाय T, करंट दे रखा है और कूलॉम तुमने यहां से निकाल लिया, टाइम आ जाए, करंट दे रखा है, चार्ज यहां से निकाल लिया, कितना चार्ज मुझे चाहिए, टाइम आ जाएगा, आसान है, ठीक है, चले आगे। चलो एक आइडिया क्वेश्चन करा ली, एक तुम्हें साथ साथ में बिट्स का क्वेश्चन करा रहा हूं, देखने में डरावने क्वेश्चन लगते हैं यार, क्वेश्चन डरावने नहीं, सब देखने में डरावने लगते हैं, डराव देखने में डरावने, तो मैं भी लग रहा हूं भाई, क्वेश्चन बड़े, क्वेश्चन बहुत आसान है, मेरी तरह बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हार्टेड है, ठीक है जी। सुनो, कह रहे हैं द कैथोडिक रिएक्शन ऑफ ड्राई सेल इज रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन है दे रखी है, डराने के लिए देखिए बंदा यही देख के खत्म है, ये सॉलिड लिख दिया, सॉलिड लिख दिया बंदा यही खत्म हो जाएगा। कह रहे थे कैथोडिक रिएक्शन ऑफ ड्राई सेल इज रिप्रेजेंट बाय दिस, इफ द 8 ग्राम ऑफ MnO2 इन कैथोडिक डिपार्टमेंट, इफ देर आर 8 ग्राम ऑफ MnO2 इन द कैथोडिक डिपार्टमेंट, देन द टाइम रिक्वायर्ड
टाइम फॉर विच देयर ड्राइसर विल गिव द करंट। अच्छा कह रहे बताओ जी कितने समय के लिए 2 मिली एम्पेयर करंट दे देगा कि अगर 8 ग्राम ML होते हो, मतलब एक ड्राई सेल था कोई होगा किसी लोकल कंपनी का 8 ग्राम ही भर के रखा है MnO2, ठीक है कह रहे 8 ग्राम MnO2 था और उसमें इतना मिली एम्पेयर करंट चाहिए हमें, तो कितने दिन तक कितने समय तक चल जाएगा। दिन मेरे मुंह से इसलिए निकल गया जैसे कि तुम नीचे देख ही रहे हो जो क्वेश्चंस है उसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं डेज में दे रखे, ठीक है तो कुछ नहीं भाई। अब मुझे पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, आई दे रखा है टी पूछ रहा है तो क्यू निकाल लेते हैं, क्यू निकल गया सब कुछ चल पता लग गया, चार्ज निकल गया सब कुछ पता लग गया। तो अब मुझे याद है तुम्हें पता नहीं याद है नहीं याद है MnO2 का मास 87 ग्राम होता है, देख MnO2 का मास 87 ग्राम होता है। अब ये पता है तो सब कुछ पता है, वरना सब कुछ ला पता है। तो MnO2 का मास पता है और पता है कहां से पता मुझे 11वीं क्लास के पहले चैप्टर का आखिरी इंटेक्स क्वेश्चन हुआ करता था, उसमें एक न्यूमेरिकल होता उसमें MnO2 का मास यूज होता था। तो मैंगनीज के पास 55 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है, तो 55 और 32 87 यस 87 होता है, ठीक है भाई ओके। तो 2 into 87 ग्राम ऑफ MnO2 2 into भी लिया भाई ये नहीं 2 है तेरे मैंने भी। इतने MnO2 में क्या चाहिए, इतने MnO2 के लिए, इतने MnO2 के लिए 2 फैराडे कितने कूलम चाहिए आगे रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो एक के लिए कितना चाहिए, इतना चाहिए बस। तो 8 के लिए कितना चाहिए, इतना चाहिए, इतने कूलम है उसको यहां रखना, टाइम निकाल लेना, आंसर जो आएगा कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से तुमने ये वाली क्लास बहुत एंजॉय करी होगी उम्मीद है, बाकी तो तुम्हें बताइए तुमने क्या करा हो। चलो मैंने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया तुमसे, कौन से इलेक्ट्रोलाइटिक के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से एक पार्ट के जो मैंने फेराडे यूज करा, हमने कप्पा के क्वेश्चंस करे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश हमने पिछले वीडियो में ही कर ली थी, आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करे और एक दो क्वेश्चन हमने आईआईटी और बिटसेट के भी करे, सिर्फ इसलिए करे ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि हमें पहले पहला लेवल क्लियर करना है, तो फिर ऊपर वाला लेवल को ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ओके बच्चों जय श्री राम।